आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग सिंपल एंड एडवांस पैरामीटर्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बैंक रिकंसिलेशन। तो पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ये भी प्रैक्टिकल रहेगा कि बैंक रिकंसिलेशन करते कैसे हैं और बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करने लिए है, तो लेज़र क्रिएट करूँगा पहले मैं। तो मैं SBI नाम से एक बैंक की लेज़र क्रिएट कर ले रहा हूँ। SBI बैंक अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, तो ये आ जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जनरल से इन्फॉर्मेशन है, आप आराम से फिल कर देंगे, ठीक है। IFC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, तो आराम से इसको यस करेंगे। और दूसरी मैं बनाने जा रहा हूँ एक सैलरी डेप्टर की लेज़र। तो सैनी डेप्टर की लेज़र मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्टर में यहाँ पे मिल जाएगा आपको रवि ट्रेडर्स नाम का एक डेप्टर मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रवि ट्रेडर्स नाम का एक डेप्टर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट में चेक कर लिया कि बैलेंस शीट में मेरे को पैसे लेने कितने हैं रवि से। तो रवि से पैसे लेने हैं मुझे 60,000 रुपये, ठीक है। तो ये 60,000 रुपये मेरे को रवि से लेने हैं अभी, ठीक है। रवि ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, तो ये 60,000 रुपये रवि से लेने हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में F6 से उससे पैसा रिसीव करने वाला हूँ। तो पैसा रिसीव करने के लिए क्या रिसीव कैसे कर रहा है, चेक से कर रहे हैं। तो चेक किस बैंक का दिया, चेक दिया उसने हमें, तो हम किस बैंक में डालेंगे। तो हमने कब, मैंने कहा कि मैं SBI में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो SBI यहाँ पर लिखेंगे SBI बैंक, और यहाँ पर आ जाएगा रवि ट्रेडर्स का अकाउंट। तो यहाँ पर रवि ट्रेडर्स का अकाउंट ले लिया मैंने, तो रवि ट्रेडर्स ने मुझे 60,000 रुपये का चेक दे दिया, ठीक है। तो ये 60,000 रुपये चेक और एडजस्टमेंट में 60,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आएगा चेक एंड DD, ठीक है। तो ये चेक आ गया और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये एंट्री मैंने कर ली है। अब रिकंसिलेशन करने के लिए हमें करना क्या होता है, रिकंसिलेशन करने के लिए हमें जाना होता है बैंकिंग के अंदर। तो बैंकिंग के अंदर यहाँ पे मैं चला गया, उससे पहले मैं आपको बताया तो बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी को चेक दिया या आपने किसी से चेक लिया, अब उसने हमें ये चेक दिया 1/4/2019 को, तो उसे ट्रांजेक्शन होने में टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का, ठीक है। तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। यदि वो आपके बैंक के अंदर आ जाता है तो वो रिकंसिलेशन के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो सिर्फ आपको यही चेक करना है कि वो आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं आया। तो आप कैसे चेक करोगे, टैली में तो आपने एंट्री कर दी कि यहाँ 1/4/2019 को मेरे को पेमेंट रिसीव हुई। कैसे रिसीव हुई, बैंक से, किससे, रवि से, ठीक है, चेक के द्वारा। तो लेकिन उसको यदि आपको देखना है कि वो मेरे अकाउंट में आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यह है कि यदि कुछ मिस्टेक हो गई तो उसका चेक बाउंस भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है बैंक रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बैंक की पासबुक होती है उसको मैच किया जाता है, या बैंक के स्टेटमेंट को मैच किया जाता है आपकी टैली से। कहाँ पर मैच किया जाता है, तो बैंकिंग के अंदर बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगे आप और यहाँ पर मिलेगा आपको SBI। तो यहाँ पर एक डेट दिखाई दे रही होगी जब हमने चेक मिला था, और यहाँ पर आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी जो कि बैंक डेट है। अब बैंक डेट का मतलब होता है कि कब आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मान लीजिए कि उसको 2 दिन लगे, तो वो 3/4/2019 को होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका टैली का वर्जन है वो एजुकेशनल मोड पर काम कर रहा है, ठीक है। एजुकेशनल मोड पर काम करने के कारण ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सिंपली मैं आप फिलहाल, मतलब ये डेट लेगा नहीं। क्या होता है, एजुकेशनल मोड पे जो टैली काम करती है वो डेट 1 तारीख के अलावा और 31 तारीख के अलावा कोई डेट नहीं लेती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ कि इसे 1/4/2019 ही मान लेता हूँ कि 1/4/2019 को ही वो क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1/4/2019 कर दिया इसको, ठीक है। मान के चलिए कि भाई हमने जिस तारीख को दिया उसी तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। क्यों, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड पे काम कर रही है, तो एजुकेशनल मोड में वो तारीख लेता नहीं है, दूसरी, सिर्फ एक ही तारीख लेता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, हमारे को यहाँ पे 60,000 रुपये मिले,
ठीक है। और 60,000 रुपये हमारा अब कंपनी का बैलेंस कितना हो गया कि बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 60,000 रुपये, यानी कि अभी फिलहाल हमारे पास ये चेक आ चुका है। लेकिन मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक और चेक मिला, ठीक है, किससे मिला, तो मैंने कहा कि मैंने रोहित को माल सेल किया मैंने, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक रोहित नाम की मैंने लेज़र बना ली और ये जाएगा सैंडरी डेप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सैंडरी डेप्टर्स में मैंने एक लेज़र बना ली और उसको माल सेल कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेट सेल कर दिया उसको 12,000 रुपये का, ठीक है, ये 12,000 रुपये सेल कर दिया एक्सेप्ट। अब रोहित ने भी हमें बैंक में ही पेमेंट की, यानी उसने भी हमें चेक दे दिया, तो यहाँ पे बैंक ले लेता हूँ मैं, कौन सा, रोहित, ठीक है, 12,000 रुपये, तो ये 12,000 रुपये आ गए हमारे, ठीक है, 12,000 रुपये आ गए। तो हमने ऐसे बैंक रिकन्सलेशन में चेक किया कि भाई पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो मान लिया कि जो रवि ने हमें पैसा दिया था वो तो पहुँच गया, मतलब वो तो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन जो रोहित का अकाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो कुछ ऐसा दिखाएगा, बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 72,000 रुपये, लेकिन अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी बैंक डेट नहीं डाली गई है कि किस तारीख को वो हमारे पास पहुँचा है। तो बैंक रिकन्सलेशन करने का मतलब ये होता है कि आपके पास वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, और यदि क्रेडिट हुआ तो आप वहाँ पे बैंक डेट डाल दीजिए और वो वहाँ से हट कर आपके अमाउंट में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी आप क्या हो गया, बैलेंस एज पर कंपनीज बुक 72,000 रुपये का, पहले कितना था, पहले 60,000 रुपये था, गया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था रोहित का चेक आया नहीं आया, यदि बाउंस हो जाता तो वो नहीं आता, लेकिन यदि क्लियर हो जाएगा तो वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट। तो ये होता है बैंक रिकन्सलेशन। और सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लेज़र बना लेता हूँ, अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट। तो यहाँ पर मैंने एक लेज़र बना ली, रवि टू लोन के नाम से, ठीक है, ये रवि है जिसको हम लोन जिससे हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया सिक्योर लोन में से, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिक्योर लोन्स, ठीक है, मैंने इसको सिक्योर लोन ले लिया, ये लोन लाइबिलिटीज के अंदर जाता है। और सिंपल यहाँ पे आपको यस कर लेना एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ यस करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यस होगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन F11 में आउस आका एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर के अंदर, ठीक है, कहाँ पर यस होगा, F11 कंपनी फीचर्स, F1 अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर मिलेगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर, इसके बाद आप यस करेंगे, ठीक है। इसको यस करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका नाम ले लिया है और उसका अंडर ले लिया है, उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है। उसके बाद फोर अमाउंट एडेड एंड फोर अमाउंट डिडक्ट को फिलहाल मैं यस रख रहा हूँ, इसका काम मैं आपको 10 मिनट में समझाता हूँ क्या होता है, सॉरी 2 मिनट में समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12%, तो यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल पूछेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, 30 डेज ले सकते हो, कैलेंडर मंथ ले सकते हो, मैं कैलेंडर मंथ ले लिया, ऑल बैलेंस, ठीक है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस बढ़ने पे भी काम करे, बैलेंस घटने पे भी काम करे, तो मैंने यहाँ बोला ऑल बैलेंस। तो एप्लीकेबल कब तक हो, यानी कब से कब तक हमें इससे इससे लोन लिया है, यानी 1 अप्रैल से मैंने लिया है 1 जुलाई तक के लिए लोन, ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक के लिए लिया हुआ है, और राउंडिंग रहेगी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। दोबारा आपको इंटरेस्ट फिल नहीं करना, यहाँ पर एंटर कर देना, यहाँ पर कर लेना इसको एक्सेप्ट। अब यहाँ तक हमने प्रोसेस कर लिया है, अब उससे जो लोन की अमाउंट है, यानी जो लोन उससे हम ले रहे हैं वो हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में F6 रिसीव वाउचर कैश रिसीव्ड होगा किससे, रवि टू लोन से, यानी 20-25 हज़ार रुपये का लोन मैंने इससे ले लिया, तो ये हमारे पास से रिसीव होगा, ठीक है। अब ये दिखाई कहाँ देगा हमें, बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटीज के अंदर 25,000 रुपये, ठीक है। अब
आपको यदि इंटरेस्ट चेक करना है कि इंटरेस्ट तो दिखाई कहाँ देगा, तो ये दिखाई देगा डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल या रिसीवेबल। तो आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1 डे का ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने फॉर अमाउंट एडेड एंड फॉर अमाउंट डेडेड को पहले से यस करके रखा था। यदि हम उसको नो रखते तो यहाँ पे 1 डे का दिखाई नहीं देता, यानी 1 डे का ऐड हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 क्या होता है? चेंज ऑफ पीरियड करने के लिए होता है, यानी आपको कब से कब तक का देखना है। तो मेरे को देखना है 1 अप्रैल 2019 से 1/7/2019 तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 92 डेज़ का दिखा देगा। 92 डेज़ में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसे 9,009,600.77, ठीक है। तो ये होता है, पहला मैंने आपको बताया बैंक रिकंसिलेशन, दूसरा बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूजिंग एंड सिंपल एंड एडवांस पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा।